गोड्डा जिला के अनुमंडल पदाधिकारी की लापरवाही से सुंदर पहाड़ी प्रखंड के बासजोरी पंचायत के ग्राम जमडीहा तथा ग्राम बड़ा नदी जागीर के ग्राम प्रधान मांझी हड़ाम के केस जो अनुमंडल अधिकारी के कोर्ट में लगभग 14 वर्षों से लंबित है। केस की फैसला नहीं होने के कारण रैयतों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे गांव में प्रधान आज तक नहीं बहाल हुआ है और यही हम लोगों का तकलीफ है। प्रधान नहीं होने के कारण से यहां का आचार विचार पर्व त्यौहार में पूजा पाठ भी नहीं अच्छा से नहीं हो पा रहा है। गांव समाज में झगड़ा हो जाता है तो उसमें विचार भी अच्छा ढंग से नहीं होता है। प्रधानी नहीं होने के कारण आपको क्या समस्या आ रही है? प्रधानी नहीं होने के कारण हम लोग को बहुत समस्या है। एक तो जाति निवासी बनाने में परेशानी है। कर्मचारी के पास जाते हैं तो कर्मचारी बोलता है जाओ प्रधान से दस्तखत करा कर जाओ, तो यहाँ तो प्रधान है ये नहीं है, पटा प्रधान का मोहर मांग रहा है। तो इसी कारण से मेरा काम जो है बहुत लेट ही हुआ। एक जाति बनाने में 3 महीना लगभग लगा। क्या आपको इसमें घूस भी लगी? हाँ, कर्मचारी को चाय पान के लिए 400-500 रुपया मंगा था। आप दे भी दिए? हाँ, नहीं देते हैं तो काम रुक जाता है मेरा। अब मेरा इमरजेंसी काम था। तो अभी आप क्या चाहते हैं? तो हम चाहते हैं कि ऐसा घुसखोर नहीं होना चाहिए। गांव समाज में प्रधान नहीं बन रहा है, उसका भी बनना जरूरी है, ये कहना चाहते हैं। मैं और मेरे समुदाय के लोग चाहते हैं कि जल्द से अनुमंडल अधिकारी के अदालत में चल रहे प्रधानों के केसों का फैसला न्यायपूर्ण तरीके से हो। घूस लेने वाले पदाधिकारी के ऊपर भी कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई किया जाए। इस वीडियो को देखने वाले तमाम दर्शकों से मैं अपील करती हूं कि आप सभी हमारे गोड्डा जिला के उपायुक्त का नाम अरविंद कुमार है तथा उनका मोबाइल नंबर 94-31-13-45-97 पर कॉल कर दबाव बनाएं, ताकि जल्द से जल्द इन समस्याओं का निदान हो सके। मैं मेरी निशा हंसदा जिला गोड्डा झारखंड के संताल परगना से इंडिया अनहद के लिए।